अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये कैप बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही इजी पैटर्न के साथ है। तो इसके लिए हमें ये चार कलर चाहिए होंगे और मैं इसमें ये क्रोशे यूज़ कर रही हूँ, चार नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे और इसमें हम थ्री चेन लेंगे, 1, 2, 3। अब हम इसमें 13 डबल क्रोशे बनाएंगे, 3। इस चेन समेत हम 14 बनाएंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अब हम इसको ऐसे धागे को खींच देंगे ताकि ये हमारा अंदर से गैप जो है ना ये ख़त्म हो जाए, और अब हम इस थ्री चेन में इसको अटैच कर देंगे। और अब हम फिर से थ्री चेन लेंगे और इसके अंदर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में भी हम दो दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी जो 14 चेन में हम 28 मुकम्मल डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में डबल क्रोशिया दो दफ़ा बनाएंगे हम इस तरह से। ये इस तरह से ऐसे दो में से निकालेंगे और फिर हम दो में से निकालेंगे, ऐसे बाल देंगे पहले क्रोशिया पे, फिर यहाँ से हम धागे को ऐसे बाहर खींचेंगे। हमारे पास तीन हो जाएंगे धागे, इनमें से हमने दो में से निकाल लिया, बाकी हमारे पास दो बच गए और फिर हम इन दो में से निकालेंगे। और इसी तरह हम इस राउंड को मुकम्मल करेंगे। ये हमारा राउंड मुकम्मल हो गया। अब हम इसको थ्री चेन के साथ इसके साथ इस तरह से अटैच कर देंगे, ठीक है। और अब हम फिर से थ्री चेन लेंगे और इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और नेक्स्ट चेन में भी हम सिंगल एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम दो दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे अगली में हम एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे अगली में हम दो दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, मतलब एक को हम स्किप करके दूसरे में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे में हम डबल क्रोशिया डबल दफ़ा बनाएंगे। अब इस तरह से ये देखिए, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर कहीं से भी समझ ना आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ये इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा थर्ड राउंड मुकम्मल हो गया। अब हम इसके साथ को थ्री चेन में हम इसको बंद कर देंगे इस तरह से, ये। और अब हम फिर से थ्री चेन लेंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे,
और नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया, सिंगल दफ़ा, एक दफ़ा हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे अगली में भी चेन में भी हम एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे, जबकि हम तीसरी चेन में दो दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से पहले हमने एक को स्किप किया था, अब हम दो के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन में सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे दो दफ़ा। ये देखिए इसमें हमने एक दो दफ़ा बनाया और अब हम इस समय डबल एक में ही डबल बनाया। इसी तरह हम नेक्स्ट इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा राउंड मुकम्मल हो गया। अब हम इसको इसके अंदर इसी तरह अटैच कर लेंगे और अब हम थ्री चेन लेंगे, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोशिया एक दफ़ा बनाएंगे, उससे अगले में भी हम डबल क्रोशिया एक दफ़ा बनाएंगे, उससे अगले में भी हम डबल क्रोशिया एक दफ़ा बनाएंगे और जबकि चौथे चैन में हम डबल क्रोशिया दो दफ़ा बनाएंगे। पहले हमने एक स्किप किया फिर दो और अब हम तीन के बाद डबल क्रोशिया चेन में दो दफ़ा बनाएंगे। ये इस तरह से इस तरह से ये तीन के बाद हम चौथी चेन में डबल क्रोशिया दो दफ़ा बनाएंगे। ये इस तरह से तीन दफ़ा बन गया और अब हम इसमें डबल दफ़ा बनाएंगे। ये देखिए दो दफ़ा बनाएंगे और ये हमारा इस तरह से बनेगा। ये राउंड हम मुकम्मल करेंगे इसी तरह से। ये 6 इंच तक हमारा ये बन चुका है। ये अब हम इसके ऊपर थ्री चेन लेके अब हम सब के ऊपर एक ही दफ़ा हर एक चेन में हर एक दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हमें डबल नहीं बनाना, सिंगल ही हर एक में सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। यहाँ तक हम राउंड मुकम्मल करेंगे। हमारा 6 इंच कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये हमने 3 चेन ली हैं और हर राउंड हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, सिंगल डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम डबल क्रोशिया हर एक चेन में बनाते जाएंगे। ये इस तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। है देखो अब हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। ये हमने इसके साथ अटैच कर दिया और अब हम इस तरह इसके साथ अब वाइट अटैच करेंगे। अब हम आगे जो है वो वाइट बनाएंगे, ऐसे रिंग बना लेंगे, हम चेन बना लेंगे और इसके साथ इसको इस अटैच कर देंगे इस तरह से। थ्री चेन लेंगे और इसी में हम तीन दफ़ा डबल क्रोशिया, दो दफ़ा डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारी चेन है थ्री चेन जो है। अब हम 1 2 3 स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस तरह से। एक दो तीन स्किप की है हमने, और फोर वाली में हमने डबल क्रोशे बनाना है। तीन दफ़ा हमने इसमें डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। अब फिर हम थ्री स्किप करेंगे और फोर में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम इसको राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। हम कम से कम ये राउंड 5 से 6 दफ़ा रिपीट करेंगे। ये वाइट का हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको इस थ्री चेन के साथ अटैच कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे यूँ इस तरह से, और इसमें हम 3 चेन लेंगे, 3 और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। इसमें भी हम ये जो स्पेस है इसमें हम बनाएंगे 3 दफ़ा डबल क्रोशे। हम हर स्पेस में डबल क्रोशे बनाएंगे 3 दफ़ा ये इस तरह से। ये हम राउंड इसी तरह कंप्लीट करेंगे। हमने ये राउंड तकरीबन 4 से 5 इंच लंबा रखना है, और इसी तरह हम इसके ऊपर ये पैटर्न बनाते जाएंगे। ये देखें 1 2 3 4 और ये 5वां राउंड मेरा शुरू है। अभी तक हम इतना और बनाएंगे कम से कम वाइट, इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। ये हमारी खूबसूरत सी कैप बनेगी। ये हमारे राउंड मुकम्मल हो गए हैं। अब हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे इस तरह से। 2 चेन लेंगे और इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हम ग्रीन सब्ज़ धागा इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ये एक दो चेन लेंगे हम, और हर चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर चेन में हम इस तरह से बल देंगे इस तरह से। ये हमारे पास 3 हो गए, और हम इन तीनों में से ही धागे को बाहर कर देंगे। अब हम इसको हर चेन में डबल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे ये इस तरह से। ये जो हमने धागा काटा है ना, इसको हम इसको अंदर ही ऐसे कवर करते जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से हमारा हर एक चेन में हम अब हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरह से। मुझे समझ आ गई होगी। ये देखिए इसी तरह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारा राउंड मुकम्मल हो गया। अब हम इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, जो हमने 2 चेन बनाई थी उसके, ठीक है। और अब हम जो हमने डबल क्रोशिया बनाया, हाफ डबल क्रोशिया बनाया, उसमें हम अब सब में सिंगल हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि हर चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। ये इस तरह से इसी तरह हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। 3 से 4 दफ़ा इसको हम रिपीट करेंगे। ये हमने 3 राउंड मुकम्मल कर लिए हैं, और अभी हम इसको इस तरह से काट देंगे इस धागे को। हम अब अगेन रेड धागा यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारी कैप कंप्लीट हो गई है इस तरह से।
और अब हम इसके साथ रेड धागा यूज़ करेंगे। अब चाहे तो इस पे मैंने तीन तीन दफ़ा ये बनाया है हाफ डबल क्रोशिया, आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकती हैं या कम भी बना सकते हैं। अब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे इस तरह से रेड धागे को, और 1 2 3 और हाफ डबल सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी में जहाँ पे हमने तीन चेन बनाई हैं, इसी में हम 3 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और नेक्स्ट 1 2 3 में हम इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ बंद कर देंगे। अब फिर हम दो चेन लेंगे और 4 हाफ डबल क्रोशिया फुल डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बना के 1 2 3 में 3 स्किप करके 4 में हम इस तरह से अटैच कर देंगे। फिर से चेन लेंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 को स्किप करेंगे 1 2 3 और इसके अंदर इस तरह से ये हमारी ये बनती जाएगी जो, ठीक है। ये हमारी मुकम्मल हो गया ये राउंड। और अब हम ये जहाँ पहले हमने बनाया था वहाँ से हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे और यहाँ से कट कर देंगे। और इसको हम अंदर कर देंगे इस धागे को इस तरह से, ठीक है। ये हमारी कैप रेडी हो गई है। अब अगर आपको कहीं से भी समझ ना आई हो तो ये फूल लगाएंगे हम ऑरेंज कलर में, और इसके साथ हम ये हमने पत्तियां बनाई हुई हैं ये लगाएंगे यहाँ से इस तरह से। इसको पहले हम सुई के साथ अटैच कर लेते हैं, और इसी तरह हम पत्तियों को भी साथ में इसके अटैच करके ले जाएंगे। ये इस तरह से पत्तियाँ मैंने पिछली वीडियो में बनाना सिखाई है, अगर आप देखना चाहें तो उधर से देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। और फूल भी पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि किस तरह बनना है। इस तरह हम इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए। और नीचे हम ये स्ट्रॉबेरियाँ लगाएंगे ये इस तरह से, हमारी स्ट्रॉबेरी साथ लग जाएंगी तो यू इस तरह से, ठीक है। मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमारी कैप रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये और समझ भी आ गई होगी। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैप कैसी लगी, और घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी है और बहुत ही प्यारी है और बहुत इजी पैटर्न है। अगर कहीं से फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।